Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Mr. and Mrs. Zafar and Miss Myra. क्योंकि अब हम तीन आ गए हैं ब्लॉग में और आज है बकरीद, तो आप सभी को हम तीनों की तरफ से बकरीद मुबारक। और मायरा का पहला बकरीद है, देख सकते हो गाइस। मायरा गाइस को हेलो बोल दो। अच्छा नहीं बात करूंगी, गुस्सा हो गुस्सा हो गाइस। अभी हमने बहुत सारा फोटो शूट वगैरह किया इसलिए इसका मूड ऑफ हो गया है। देख लो देख लो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। मैं रेडी वगैरह हो गई हूँ और मायरा को भी रेडी कर दी। और अभी हम अभी इवनिंग का टाइम, मॉर्निंग में हमने ईद वगैरह मनाया और उसके बाद फिर लंच वगैरह करने के बाद हम सोच रहे हैं अभी थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। और फिर अभी हम जा रहे हैं मायरा को घुमाने थोड़ा, क्योंकि दोपहर में सो गई थी तो फिर कुछ ब्लॉग वगैरह भी आगे शूट नहीं कर पाया। मेहमान वगैरह भी आ गए थे तो सोच रही थी थोड़ा सा मायरा को घुमा के लाते हैं बाहर से। तो गाइस अभी हम 8 o'clock हो रहा है और हम जा रहे हैं मॉल वगैरह, थोड़ा फोटो क्लिक कराएंगे और रील्स वगैरह बनाएंगे, बच्चों को थोड़ा सा घुमा वगैरह देंगे, मायरा को थोड़ा घुमाएंगे। और देख सकते हो मायरा का भी मूड ऑफ है, बाहर निकलेगी तो हंसेगी। देख सकते हो गाइस, हाय हाय कर दो गाइस, लोग हाय कर दो। तो चलिए गाइस हम बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मैं आज आके आपको दिखाती हूँ कि मैं लंच में क्या क्या बनाई थी। और सुरु जी आपने मुझे ईदी में क्या दिया ये तो बताओ। सिलो को मैंने एक्टिवा गिफ्ट किया है इस बार। सुरु जी मुझे स्पेशल से गिफ्ट दिए ईदी में, मुझे सुरु जी एक्टिवा गिफ्ट किए। सिलू के पास नहीं थी ना पर्सनल, इसीलिए मैं सोचा चलो सिलू के लिए ले देता हूँ, कॉलेज वाले जाती है इस वजह से। हाँ। घर जाती है बार बार और वैसे भी अब गाड़ी की जरूरत पड़ती रहती है और इसलिए सोचो जी बताना हम तीनों की ड्रेस कैसे लग रही है। लगभग हम तीनों की ड्रेस लगभग मैच हो रही है, सभी चेक शर्ट पहन रखे हैं। और जब भी हमको मैचिंग करना सबसे पहले हम लोग मायरा का ड्रेस लेते हैं, फिर सोनू जी के लिए, फिर मेरे लिए। तो देख सकते हो गाइस अब मेरी मायरा कैसे लग रही है बताना गाइस कमेंट करके। क्या हो क्या हो बेटा, देखो देख सकते हो गाइस, सबको हाय कर दो। हेलो गाइस, अभी मायरा शो पे उठी है, थोड़ा मूड ऑफ है, अभी हम जा रहे हैं घूमने घूमने। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं मॉल गैलेक्सी मॉल और काफी दिन के बाद है। और मायरा को देख सकते हैं कितनी खुश है घूमने आई। मायरा तो गाइस देख सकते हो मॉल और हम बहुत दिनों के बाद आए हैं आज घूमने। मैं तो लगभग बहुत दिनों के बाद ही आई है ना सोनू जी, काफ़ी टाइम हो गया था और हम थोड़ा लेट आए, इसे थोड़ा सब खाली खाली हुए मॉल। हाँ मायरा तो फर्स्ट टाइम आई है ना मायरा। चलिए गाइस ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे आपको फिर दिखाते हैं। सेक्शन पे जा रहा है और ऊपर चल के फिर ऊपर वाले दिखाते हैं आपको। गाइस जैसे तो यहाँ पर तो व्यू कितना प्यारा लग रहा है सुरु जी, वहाँ पर एक फ़ोटो लेते हैं ना। गाइस जैसे तो पीछे का बैकग्राउंड बहुत प्यारा लग रहा है और यहाँ पर सुरु जी मायरा के साथ इन्जॉय कर रहे हैं। मायरा भी एंजॉय कर रही है। आप एंजॉय कर रही हो, देख सकते हैं गाइस। गाइस से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी पर हमने इसे उठा के लिया, अभी जग गई। बेटी और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, पूरा देख सकते हो पूरा मॉल सुना सुना है क्योंकि हम थोड़ा लेट आए ना इसलिए। और यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर लिए और सोच रहा है कुछ खाते खाने पीने चलते हैं। मूवी जाना था पर मूवी तो जा नहीं सकते अभी, मनु बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर रोएगी थिएटर के अंदर, इसी वजह से नहीं जा रहे हैं। सोनू जी बोल रहे हैं थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर चलेंगे, वरना मैं सोची थी आज क्यों ना कुछ मूवी देखने चलते हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो गया उसका मुझे मूवी में इंटरेस्ट नहीं है, पर इसमें मैं सोच रही थी बट ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर हम आएँगे है ना मायरा। सोनू जी तो मुझे इतना बेहतरीन ईदी दिए है ना, मज़ा आ गया और हम सोचे मॉल जाके इन्जॉय करते हैं इस बार तो मैं। और अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद फिर पार्किंग से अपना गाड़ी निकालेंगे, देन फिर हम जाएंगे घर। मायरा मेरी बेबी, ये मायरा बेबी बेटी है, हो रही है कहाँ आ गई। हाँ ये बहुत इंजॉय की, अभी थक चुकी है, अब इसको नींद आ रहा है। और घर जल्दी आपसे मिलते हैं, अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, अब लगभग पूरा मॉल पूरा सुना सुना हो गया, काफ़ी लेट हो चुका था सुनो जी, 10 o'clock हो चुके तो अब हम चलते हैं। हाँ 10 o'clock हो गए और हाँ मेरा बिल्कुल नींद भी आ रहा है, वरना और इन्जॉय करते बट चलते हैं अब, जितना घूमना था घूम भी लिए, काफ़ी लेट भी हो चुका तो चलेगा इसके घर चल के मिलते हैं आपसे। गैलेक्सी मॉल और अब हम जा रहे हैं घर, रोड पूरा सुनसान हो रखा है और यहाँ पर मेरा बेबी और उसके पापा, तो चलेगा इस पर चलते हैं। और चलिए गाइस सबको चलते हैं, दिखाती हूँ किचन में कि आज मैं बनाई क्या थी लंच में। मैं बनाई हुई थी पुलाव और यहाँ पे बना हुआ था मटन।
और ये मैं आफ्टरनून में बनाई हुई थी बट मैं आपको दिखा रही हूँ इवनिंग में। और यहाँ पे मैं पापा के लिए खाना भी पैक करके रख दी हूँ, तो पापा का टिफ़िन, तो ये पापा भी आएंगे तो फिर साथ में पापा लेते जाएंगे। जी महान आ गए जी, क्या ले हमारी मम्मी के लिए लस्सी। अच्छा, ये मम्मी के लिए लस्सी लेके आए हैं, मतलब बेबी की नानी के लिए। और देख सकते हो गाइस, सुनो जी, डिनर करने के बाद इनका कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन था, इसलिए अभी इतने लेट में 10:30 में नाइट के ये कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे। आपको उसे मिला कहाँ सर? शॉप तो बंद हो गया होगा ना? खुला रहता है, यहाँ पास एक नया खुला है, बिग बाइक वो बहुत नाइट तक खुला रहता है। और गाइस, गर्मी से तो पूरा हालत ख़राब हो जा रहा है, आज वैसे भी बहुत ज़्यादा मैं थक गई। पे पापा बेटी दोनों खेल रहे हैं। अरे सोनू जी का पूरा बाल खींच रही है। सोनू जी, आपका बाल क्यों खींच रही है? खेलती है मेरे साथ ही। अच्छा, आपसे ईदी मांग रही है? ईदी तो दे दिया ना बेटा। हां, कैमरे पे फोकस कर रही है। ईदी तो दे दिया, मिल ला जा बेटा को ले। मन्नत, आपको नींदी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, अपने पापा के साथ सोएगी। अपने पापा के साथ सोएगी। अच्छा, पापा के साथ सो रही है। अरे सोनू जी का पूरा बाल खींच लेती है, है मेरे साथ। मस्ती कर रही है ना बेटा? देख बेटे, देख देख गुण, देख 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 मेरा बेबी, देखो। हाँ हाँ, बात करोगी? अच्छा चलो बोलो। हेलो गाइस, बोलो। हेलो गाइस, गुड नाइट बोलो। चलो गाइस, लोग गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट बोल दो बेटा, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट। देखो मुश्किल आ रही है, मुश्किल आ रही है। बाल पकड़ेगी पापा। अच्छा, पापा का बाल खींच दो। पापा का बाल खींचो, बाल पकड़ेगी, बाल पकड़ो, बाल पकड़ो। सुनो जी, आपके सारे बाल उखाड़ देगी ये, अब गंजे हो जाओगे। सुनो जी, अब इसी के लिए गंजा होना। सुनो जी, बोले रियल सही ना बाबू, मुझे गंजा नहीं करना बाबू, मेरी छोना। तो मन्नत घूम फिर के आ गई, खा पी ली, अब मजे से खेल रही है अपने पापा के। हाँ, मानू लानी कैमरे में जाएगी, कैमरे में ब्लॉग बनाओगी आप भी? अभी हम आए हैं गार्डन के पास, चौपाटी लगे यहाँ पे। देख सकते हम आए हैं पोटैटो स्टिक खाने, और सुनो जी, मनु, और साथ में हमारी बेबी मनु भी। मनु, लाइट आ रहा है ना? यहाँ पे मनु देखो। हाय हाय गाइस, अभी हम इवनिंग में मनु को घुमाने लेके आए, फिर यहाँ पे चौपाटी के पास आ, देख सकते हो यहाँ पे पोटैटो स्टिक खाने, और ये गार्डन के पास आए हैं, और देखते काफ़ी दूर है सर, पीछे गार्डन पार्क। क्या कर लिए मनु भाई? रोज सुनो जी, सिर्फ डेली इवनिंग में, मतलब हम तीनों डेली इवनिंग में घूमने निकलते हैं, क्योंकि इसे घुमाना रहता है, तो साथ में मैं भी आ जाती हूँ। और क्योंकि घर में रह रहे बोल भी रहता है, तो बच्चे को डेली घुमाने लेके आते, साथ में कुछ खाते पीते भी चले जाते हैं।